गैर मैं आपको खुशामदीद कहते हैं नाजिन म्या खान खानूम जनरल कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया गया है इस खबर के आने के बाद जहाँ पर मीडिया में उनके इस रोल पर बात हो रही है कि उनके सामने क्या चैलेंज दरपेश होंगे सिपेक के हवाले से बात हो रही है अफगान अमूर के हवाले से बात हो रही है ऑपरेशन ज़रब अज़ के हवाले से बात हो रही है इसके साथ साथ हम जरा ये निकात भी उठाना चाह रहे हैं कि कुछ गैर-हरबी चैलेंजेस भी हैं जो दाखिली तौर पर या अंदरूनी तौर पर मौजूद होंगे आर्मी के सामने उनके टनोर में अगले तीन साल के अंदर जिसमें से सबसे अहम शायद ये होगा कि 2018 में जो इंतखात होने जा रहे हैं वो जनरल कमर बाजवा साहब ही के दौर के अंदर होंगे और इस लिहाज से ये बड़ा अहम है कि एन मुमकिन है कि अपोजिशन की तरफ से बाकायदा तौर तो पर यह डिमांड की जाए कि 2018 के इंतबाफ फ़ौज की मौजूदगी में होनी चाहिए और फ़ौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद होना चाहिए जैसे कि हमने बहुत से बाई में देखा भी है आ, और जिस तरह पिछले के हैं के आर्मी की में दो हजार अठारह के तो इस लिहाज से रोल जो है वो बड़ा अहम होगा इसके साथ साथ शुमारी आप जानते हैं कि जो बहुत अहम है वी एन ट्वेंटी की बात होती है शुमारी का सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है और ये अभी तक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि फ़ौज की तरफ से आ, ये माजत की गई थी कि उनके पास जो अफसरान हैं या जवान हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लेना है वो बहुत सारे दीगर महाज पर बिजी हैं और फिल वक्त ये मुमकिन नहीं होगा तो ताखिर का शिकार हुई लेकिन आने वाले दिनों में मरदम शुमारी का इनका होना है तो उसके लिए ढाई तीन लाख फौजी जो हैं वो जनरल कमर बाजवा को फराहम करना होंगे अगर ये मरदम शुमारी को मुमकिन बनाना है इसके साथ साथ न्यूज़ गेट का मामला भी है कुछ और चीज़ें भी हैं साथ ही हम आज के प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाने जा रहे हैं कि सिविल मिल्ट्री ताल्लुक जो पाकिस्तान में हमेशा ही एक बड़ा नाजुक मामला रहा है और कल चेयरमैन सेनेट ने यह बात भी की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुक हैं तो ये ताल्लुक की बेहतरी अगर चैलेंज है तो ये चैलेंज किसके सामने होगा वजी अजम के सामने होगा हो या आर्मी चीफ के सामने होगा ये सवाल भी हम उठाएंगे और इसके साथ साथ ज़रा हम देखेंगे कि इस रीजन में और ख़ते में क्या सूरत हाल ऐसी है जो चैलेंज के तौर पर जनरल कमर बाजवा साहब के सामने मौजूद होगी तारुफ में करवा दे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब आपको खुश आमद कहते हैं इस बहुत ही अहम प्रोग्राम में ब्रिगेडियर आरून साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लाबाद मौ से बीर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमजद कहते हैं डॉक्टर हुमा बुकाई हमारे साथ मौजूद होंगी कराची स्टूडियोज़ में तमाम मेहमानों को खुशामजद सबसे पहले ब्रिगेड साहब आपके सामने मैं सवाल रखता हूँ इस बात का कभी इम्कान है कि 2018 के जो इंतबात हों ओपोजिशन ये मुतालबा करेगी कि फ़ौज की निगरानी भी होने चाहिए पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर मौजूद होने चाहिए क्योंकि पिछले जो इंतबात हुए थे उसके बाद जो धानी का शोर मचा था वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा तो कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं कंवर बाजवा साहब के लिए आने वाले दिनों में सियासी तौर पर जो सामने होंगे बिस्मिल्लाह रखने बहुत शुक्रिया असदुल्ल्ला ये पहले जो आपने इलेक्शन वाली बात की मेरा ख़्याल है ये बहुत ही अहम नुकता है और दो ठीक है अभी इलेक्शन तकरीबन पौने दो साल ये इतना तकरीबन अभी इसके इतना टाइम है लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जनरल अशफाक कीानी जब वो आर्मी चीफ थे तो मुझे याद हो उन्होंने हमारे साथ एक सेशन भी किया था और उन्होंने कहा कि जी मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन की जो है ये हम फौज की जिम्मेदारी नहीं है ये आप आप, आप आपकी ज़िम्मेदारी है आइन के मुताबिक हम तो बिल्कुल बाहर रहेंगे सिक्योरिटी और उन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के लिए लेकिन आपने देखा कि उसका मैं न सम का फैसला वो ठीक नहीं था क्योंकि पोलिंग स्टेशन में जिस किस्म का जो माहौल था और हमने खुद भी जाके देखा मेरा ख्याल है और उसके बाद जिसमें आपने कहा बाई इलेक्शन जो अभी हुए हैं वो सब फौज के सुपरविजन में इलेक्शन का शौर नहीं बचा नहीं बचा देखिये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनका बड़े सख्त प्रेशर आएगा मैं मैं समझता हूँ वो पार्टी जो कि ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती हुँ, चाहती हुँ, वो रिवायती मामला इलेक्शन कमीशन वाले रहे इलेक्शन कमीशन का रोल अपनी जगह है लेकिन मैं समझता हूँ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फौज अफसर और जवान उनका पोलिंग स्टेशन में होना लाजमी है ताकि वो देखे वहाँ किसी पैमाने पर गड़बड़ और ये मामला ना हो बल्कि न सिर्फ वहां पर मैं वो तो आपको पता जहाँ जब डिस्पैच होता है पोलिंग पे, पेपर और वो तो, बैलेट पेपर वो तो फौज की निगरानी होता है वो तो लास्ट टाइम भी हुआ था लेकिन उसके बाद जब वो आ, जाते हैं वो वो जो पहली रात होती है जिसमें ये रद्दोबल और इसके बड़े ये जिसको कहते हैं ना आर ओ वाला इलेक्शन प्रेजिडिंग ऑफिसर वाला इलेक्शन उस तमाम धांधी से बचने के लिए मेरा ख्याल है इन नए आर्मी चीफ पे बड़ा प्रेशर होगा कि जनाब ये आपको करना है नहीं तो फिर एक दफा पाकिस्तान में जो है ना जो नेगेटिव फोर्सेस है जो नहीं चाहते कि फेयर इलेक्शन हो वो फिर गड़बड़ करेंगी तो ये एक बड़ा चैलेंज है लेकिन मैं संसद की आपने बात की बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को और खाला ने कहा और मैं ख्याल गवर्नमेंट कह दिया हम मार्च में कराएंगे अब जल रहिल शरीफ नहीं करवा सके क्योंकि फौज कमिटेड की जरब अजब में वगैरह वगैरह इतने दो ढाई सौ दो, दो लाख पचास हज़ार के फौजीज पेयर नहीं कर सकते थे बलोचिस्तान की कमिटमेंट फाटा की वगैरह लेकिन अब अगर हालात स्टेबलाइज हुए हैं बेहतर हैं खासकर फाटा के हवाले से और टू तो सम बलोचि एंड कराची ऑल्सो मेरा ख्याल है ये नए आर्मी चीफ पे की जिम्मेदारी में आएगा कि वो ये फैसला करें कि दो ढाई लाख फौजी स्पेर करें बाकी सिविलियन पर्सनल हो देखें अगर ये शुमारी नहीं होगी तो हल्का बंदियां जो हैं वो दो हजार सतारह में फ्रेश होंगी जो नया रिजल्ट सामने आएगा इसके बड़े लॉन्ग टर्म तो इम्प्लीकेशन है और सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना ही देना है फाइनली कि जनाब ये आप आ, करें मार्च में तो एक तो ये, ये भी आएगी चीज जलभ बाजवा लेकिन आपने जो सिविल रिलेशन का कहा चाहूँगा मैं मैं, मैं, मैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर मगर पहले इशू पर मैं ब्रिगेड आसिफ हारून साहब से भी राय लेना चाहता हूँ ब्रिगेड साहब पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जाहिर है फौज इससे इेलिवेंट नहीं रह सकती इससे ताल्लुक नहीं रह सकती और कभी माजी में रही भी नहीं है ये मुमकिन भी नहीं है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दो अहम चीजें हैं जिसका हमने जिक्र किया एक तो सेंसेस क्योंकि उससे हल्का बंदियां होनी है फिर पाकिस्तान की बहुत सारी प्लानिंग जो है ट्वेंटी फाइव के तहत और बहुत सारी प्लानिंग है वो सारा इस पर डिपेंड कर रही है फिर जैसे हमने इलेक्शन के हवाले से बात की है तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों चीजों को खासतौर पर नए आर्मी चीफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये बिल्कुल चैलेंज नहीं है मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जो आर्मी नए चीफ आएंगे उन, उनकी ये बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है उनके बहुत से और गम हैं बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ऑन द मैटर्स ऑफ थ्रेट परसेप्शन ऑन द बॉर्डर्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी वही बहुत उनकी प्लेट भरी हुई है जो उनके हवाले हुई है क्योंकि जनरल राहल शरीफ का जो टनवर था उसमें कोई शक नहीं है कि जी वो बहुत ही कामयाब था लेकिन आपने ये भी देखा कि 80 टू 85 परसेंट सक्सेस हुई है इन ट्रज़म और अभी भी 10-15 परसेंट जो है वो रह गया है उसकी भी अब जब बात करेंगे वो क्या रह गई हैं जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इलेक्शन उसमें तभी तो टाइम है इस वक्त तो हमें करंट क्या बात करनी है हमारा एलओसी जो है ना बिल्कुल हॉट है एक किस्म की वो जंग जो है वहाँ छिड़ी हुई है और कोई पता नहीं है कि वो बात भी की है कि एक स्ट्रेटिक मिसकैलकुलेशन और वॉर कैन आउट और इंडिया के अजाइम जो है ना बड़े ख़तरनाक हैं उनकी अपने जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो है ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज हों मजबूर हो जाएँ कि अपने फोर्सेज को जो है बॉर्डर के ऊपर ले जाएँ तो इलेक्शन तो अभी दो हजार आठ अठारह की मे में आएंगे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो है ना ये उनका मसला है कि वो कैसे करते हैं लेकिन ये जो आपकी बात देखिए सर, लेकिन सर ये आगे जाकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मसला नहीं रहता ना जब इस्लामाबाद में सर देखिए ना जब इस्लामाबाद में धरना हुआ और वो इसी पर हुआ था कमल कर लेने देना सर अच्छा मैं मैं एक मैं वो जो सर आप एक जब, जब रिफॉर्म नहीं करेंगे और उसमें ई सी पी को आप रिफॉर्म नहीं करेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि आपने नहीं किया अभी तक सेवेंटी परसेंट काम मैंने सुना है कि वो कर लिया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे वो सारा जोर जो है इस वक्त गवर्नमेंट को उसके ऊपर देना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट इलेक्शन जो हो वो साफ व शफाफ हो अंडर दिन रिफॉर्म्ड इलेक्ट्रल सिस्टम फिर आसान हो जाएगा फिर हो सकता है फौज की ज़रूरत न भी ना पड़े उसको आने की आपके ये जो इतने मसले मसाइल हैं ये क्या है इसी वजह से है कि आपका कोई इलेक्शन जो है वो सीधा नहीं होता कि अंदर ही बहुत ज्यादा है जो है ना जो मसले मसाइल हमारे देखिए ब्रिगेड हारून सर मकसद कहने का ये नहीं था

इसी तरह हर एक पोलिंग स्टेशन में अगर आपने फौजी लगाने हैं तो अभी आपकी एक लाख अस्सी हजार अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तो ये है कि इनकी हमने डी इंडक्शन कब करनी है और हमने कब काउंटर टेररिज्म फोर्स एट दंडर वो बनाना है, है। वो है, वो है देखिए वो है सीपैक है कराची है मैं बलोचिस्तान एक मुख्तार ब्रेक मुझे लेने में होमा बकाई साहब को भी मैं शामिल करता हूं सब ब्रेक के बाद ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ज़ाहिर है कोई साढ़े पाँच बजे के करीब यह खबर आई हम भी ट्रांसमिशन में थे नाइनटी टू न्यूज़ पर बैठे हुए थे हमने इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया है लेकिन अब मैं ये चाह रहा था कि चूंकि हमने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और अभी भी करेंगे हम लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जिस पर मेरी ख्वाहिश थी कि इस पर बात हो जाए और हमने उससे आगाज़ किया एक मुख्तर ब्रेक ले लेते ले हैं ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं एक बार फिर खुश आमदी आपको डॉक्टर हुमा बुकाई साहब आपके ख्याल में दाखली और खारजी चैलेंजेस क्या हैं नए आर्मी चीफ के लिए एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जनरल राहुल सरी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा था जी कि दो हजार जो होगा वो टेररिस्ट के लिए कला कमा का साल होगा एनिलेशन का साल होगा अनफॉर्चुनेटली uh, क्योंकि बहुत वाइड चैलेंज था उस तरह से 2016 में हम टेररिज्म को पाकिस्तान में ख़त्म नहीं कर सके जिस तरह शायद उन्होंने विजुलाइज़ किया था तो वो तो एक कंटिन्यू चैलेंज हमें रहेगा वो फ्रंट हमारी फ़ौज को उस फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा लेकिन जो उससे भी बड़ा चैलेंज इमर्ज हो रहा है वो यूनीट्रल अग्रेशन है जो आप इंडिया की तरफ से देख रहे हैं और इस यूनीट्रल अग्रेशन में ये होता है कि बावजूद इसके जो जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं जो हमारा अब इकनॉमिक कन्वर्जेंस है चाइना के साथ और जिसकी वजह से हम किसी बॉर्डर पर भी जंग में जाने के लिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें उसके बावजूद अगर इसी बदस्तूर इसी तरह इंडिया नॉचअप करता रहा अपना अग्रेशन तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हमें कम से कम उनको इस लेवल का तो जवाब देना है कि वो ये समझें कि हम अपना दिफा कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा नहीं, अच्छा, तो सब सब लेकिन इसमें मैं, आपके सामने कि ये चैलेंज फौज के लिए इस सद तक जैसे हमने देखा पर फायरिंग हुई हमारे तीन जवान शहीद हुए जवाबी कार्रवाई हुई वहां सात मारे गए यहाँ आज सात मारे गए तो वहां पर बीस लोगों को हलाक किया गया तो ये इस हद तक तो आर्मी का रोल है या इससे बढ़कर भी है क्योंकि अभी जुबैर उमर साहब से जब हम बात थे वो, वो कह रहे थे कि तमाम पॉलिसीज़ हुकूमत बना रही है अगर इंडिया के हवाले से पॉलिसी सारी हुकूमत ने बनानी है तो फिर ज्यादा बड़ा रोल तो यहाँ पर हुकूमत का है देखिए हुकूमत तो पॉलिसी बनाएगी ना लेकिन अगर एक्टिव अग्रेशन हो रहा है किसी भी बॉर्डर पे चाहे मुल्क के बॉर्डर्स पे या मुल्क के अंदर तो उस एक्टिव अग्रेशन को तो फौज ही ने रोकना है और मेरे ख्याल इसका बड़ा वाज जवाब दिया था राहिल शरीफ साहब ने उन्होंने जो अपना आखिरी स्टेटमेंट दिया तकरीबन पॉलिसी स्टेटमेंट था इंडिया पे जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से भी जवाब दिया था उन्होंने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम एक से ज्यादा फ्रंट पे जंग लड़ सकते हैं जो वाज तौर पे इस बात का तरफ निशानदेही थी कि अगर एग्रेशन वेस्टर्न बॉर्डर से होता है ईस्टर्न बॉर्डर से होता है या उन आ, अनासर को पाकिस्तान में कल्टिवेट किया जाता है आया वो सियासी हों और वो या मजहबी हों स्टेट ऑफ द रिट को चैलेंज करने के लिए तो पाकिस्तान की फौज जो है वो उनका मुकाबला कर सकती है और कर रही है मेरा ख्याल देखिए इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी होती है वो अपनी जगह कायम रहेगी और बाजवा साहब जो हैं अगर आप उनका करियर देखें तो जी. उनकी जो डिप्लॉयमेंट हुई है वो इस तरह की हुई है कि फॉर एग्जांपल कमांडर टेन की जो उन्होंने कमांड uh, uh, संभाली हुई थी वो सबसे बड़ी है और नर्दर्न एरियाज में रही है तो उनको कश्मीर का बहुत uh, अच्छा एक्सपीरियंस है फिर मुल्क के बाहर भी उन्होंने सर्व किया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई uh, आपको कोई पैराडाइम शिफ्ट आएगा लेकिन right. मैं ये भी साथ साथ गुजारिश करूं कि एक बहस चल रही है कि जी इनको नवाज शरीफ साहब ने चुना है hmm. uh, दो लोगों को छोड़ के तीसरे चौथे नंबर पे इनको चुना है यू मस्ट ही इज़ अ सोल्जर और जो लोग उन्हें जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि वो पुश ओवर नहीं है तो वो जो अपनी इंस्टीट्यूशन के रेडलाइंस है उन्हें किसी को भी क्रॉस नहीं करने ठीक थी। है सही है श, आ, ओके शाम कुरैशी साहब हमारे साथ आ, लाइन चले लाइन ड्रॉप हुई है उनकी मैं बघे साहब जरा मैं सिविल मिलिट्री तल्लुत के हवाले से कुछ गफ्तु करना चाह रहा हूँ इस पर चेयरमैन सेनेट ने यह स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो सिविल मिलिट्री तल्लक हैं अगर सिविल मिलिट्री तल्ल की बेहतरीन चैलेंज है तो ये चैलेंज किसके लिए है वजीरम के लिए है या ये चैलेंज आर्मी चीफ के लिए और ये सवाल मैं चाहूंगा कि जरा शाह कुरेशी साहब भी आ गए हैं उनके सामने पहले रख दूँ साहब मैं दोबारा फेस कर देता हूँ अपना सवाल सैनट ने यह कहा कि आर्मी आ, के सिविल मिलिट्री ताल्लुका जो हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये आप इतफाक करते हैं उनसे इसकी स्टेटमेंट और अगर सही है और ये चैलेंज है तो फिर ये चैलेंज किसके लिए है आर्मी चीफ के लिए या वजी अजम के लिए शाहुदी साहब आप सुन रहे हैं मुझे शायद जी बिल्कुल देखिए जी सिविल मिलिट्री रिलेशन बिल्कुल आपकी बात सही है ये इस वक्त बिल्कुल सेंट्रल स्टेज है और ये लोगों को तश्वीश भी है कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं इसमें काफी तनाव देख पाए जा रहे हैं जनरल रहीश के वक्त पे जो मेन पिछले सात आठ महीने में एक मसला क्या था वो नेशनल एक्शन प्लान पे था

देखिए इसमें आ, इसमें उतार चढ़ाव तो रहा है आ, ये सभी जानते हैं कि उसमें एक उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है अब सवाल ये होता है कि इसमें कशीदगी पैदा क्यों होती है और क्या वजूहत हैं जो इस कशीदगी को जन्म देते हैं जब आ, आप आ, जो सेट पैरामीटर्स हैं उस पर हट के आ, कुछ करते हैं तो फिर एक कशीदगी पैदा होती है जब आप कम्युनिकेशन का गैप आता है जब आपका कंसल्टेशन का प्रोसेस जब ट्रांसपेरेंसी मुतासर होती है तो चीज़ें आती हैं जब ये जैसे कि जो ये डॉन लीक्स वाला मसला आया था जब इस किस्म के वाकत रूनुमा होते हैं तो फिर डिफिकल्टीज आती हैं स्ट्रेन आता है रिलेशन्स में राइट सही।, right. um, सही है चले मेरा ख्याल है है, फिर लाइन में प्रॉब्लम अच्छा मैं खुद अब चले। जब तक गवर्नेंस के ट्रांसपेरेंसी मेरिट के मामला ठीक नहीं होंगे ये एक तो स्ट्रेन रहेगा स्ट्रेन और दूसरा नवाज शरीफ साहब को अपने जो कुछ उनके जो कुछ चंद रोग अनासर हैं जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं उनको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फौज के खिलाफ साजिशों में या इस किस्म की मिसचिफ मॉगरिंग इस किस्म के काम करते रहेंगे जिस तरह डॉन लीक्स हुआ जिस तरह की कुछ पहली स्टेटमेंट आती रही तो आप देखेंगे सिविल मिलिट्री टेंशन जो है वो कायम रहेंगी तो लिहाजा मेरा ख्याल है जो जिम्मेदारी है वो फौज पे आर्मी चीफ पे नहीं होगी वो जिम्मेदारी होगी प्राइम मिश्योर पाकिस्तान पे कि वो इंश्योर करें कि उनके जो लोग हैं ठीक और है। उनकी तरफ से देखिए जब तक डू नॉट टेक द हाई ग्राउंड जब तक इतफाफ के मामला ठीक नहीं होते जब जो मैंने बातें की हैं तो उस वक्त ये फौज को तहफा रहेंगे सही है अच्छा साहब हमने अभी प्रोग्राम के शुरू में जो डिबेट की उसमें हमने एक सवाल रखा कि एक जाहिर है एक आर्मी चीफ का एक पोलिटिकल रोल भी होता है मुल्क में इसको डिनाई

अपना रोल सही प्ले नहीं करेंगे तो फिर आप स्पेस क्रिएट करेंगे जब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो वो वैक्यूम को ही करेगा मिसाल के तौर पर अगर खारजा के महाज पर अगर आप बिल्कुल गायब होंगे और पाकिस्तान का मुकदमा सही पेश नहीं किया जाएगा वजीर खारजा नहीं होगा तो फिर क्या होगा फिर जो जो बैरूनी दुनिया है वो फिर आपके नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से रिज्यू करेगी उनसे इनपुट लेगी क्योंकि उनको इनपुट मिल नहीं रहा होगा लोगों को तजस होता है लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमत अमली है क्या पॉलिसी है क्या करना है तो अगर आपके काम बिल्कुल खामोशी होगी गोमगो की सूरत हाल होगी वाजें नहीं होगी तो फिर ऐसा होगा जब आप किस किस्म के आ, जिसे कहते हैं ना अपनी गवर्नंस सही नहीं करेंगे जब करप्शन की दास्तानें होंगी जब पॉलिटिकल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जो है वो जेरे बहस होगी या उस पर एक सवालिया निशान लगेगा तो फिर आ, आ, ना चाहते हुए भी स्पेस मिल जाएगी ठीक बिल्कुल सही है अच्छा अब आसफ आरूम साहब अब मुझे सर ये बताइए कि वजीर साहब ने नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम सात आर्मी चीफ के साथ काम किया है और ज़्यादातर के साथ तल्ल कशीदा रहे आप सबसे बेहतर दौर किसके साथ देख रहे हैं जनरल राहिल शरीफ के साथ आप कहेंगे कि तल्लत बाकी आर्मी चीफ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बेहतर रहे नवाज शरीफ साहब के जी इसमें कोई दो राय है ही नहीं है ये मेरा ख़्याल है कि मेरे लिहाज से और आम लोग भी यही अभी इस पर एग्री करेंगे कि ये तो एक बेंचमार्क सेट हो गया है आइंदा के लिए कि इस तरीके से असूलान ये दो जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं एग्जैक्टिव हेड की और आर्मी की इनकी आपस में जब तक हम आहंगी नहीं होगी हारमोनी नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ये जो रिजल्ट्स जो पिछले दो तीन साल में जो अचीव हुए हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि दोनों ने मिल जो है आगे जो है न स्टेप्स उठाए और बहुत कामयाबियाँ फ्रंट पे उठाई गवर्नमेंट ने इकनॉमिक फ्रंट पे मिलिट्री ने जो है ना सिक्योरिटी के और टेररिज्म के फ्रंट के ऊपर और ये इसकी बेसिक बुनियाद जो है वजह यही थी अब जो है जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि जी सिविल मिलिट्री रिलेशन जो ये कशीदा क्यों रहते हैं कैसे रहते हैं तो इसकी भी हिस्ट्री है और मेरा ये ख्याल है कि इसमें ज़्यादा जो रोल था वो पीपल पार्टी का ही था आप देखें कि भुट्टो साहब ने पहले एजुटेशन शुरू की अयूब खान की जो गोल्डन पीरियड था वो ख़त्म कर दिया उसके बाद फिर जब सेवेंटी वन में भी जो किरदार है उनका वो भी पता है हम उधर रमान कमीशन क्या था फ़ौज के खिलाफ ही था ना उन्होंने वो ओपन किया जर्नलों को कितनों को उन्होंने सैक कर दिया और वो एक, एक किस्म के सिविल डिक्टेटर बने और फिर सबसे बढ़कर हक का जो दौर आया वो जो है सबसे ज़्यादा पीपल पार्टी को इफ़ेक्ट हुआ एक तो इन्होंने गवर्नमेंट उनकी गिरा दीडे बोटो साहब की और फिर हैंगिंग में उन उनको जो कहते हैं कि जी उनका ही मेन रोल था तो ये थी जिसने कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बहुत ज़्यादा कशीदा किया और उस उससे वो जो है आज तक पीपल पार्टी जो है नहीं निकल रही वो हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है हक की जो है झोली में ही डालते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका नवाज शरीफ साहब का ये मैं मानता हूँ कि हर चीफ के साथ इनकी जो है वो खास बनी नहीं लेकिन वो था एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट लेकिन ज्यादा इनको जो तकलीफ पहुंची, एक तो जनरल काकड़ के डिसीजन से जबकि ये समझते थे कि नहीं मैं हक बजाना बहू मैं तो इलेक्टेड हूँ मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सही है। था मुझे वैसे तो हम कल के प्रोग्राम में कल हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम नवाज शरीफ साहब के पिछले तमाम सात आर्मी चीफ्स के साथ जो तल्लत थे उनका तफसील से जायज़ा लेंगे किन किन बात पर कशीदगी हुई किस आर्मी चीफ़ के साथ किस नुकते पर कशिदा तल्लत हुए और कैसे कैसे आर्मी चीफ़ या तो घर गए या फिर वजीरजम की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया इसका तफसी जायजा तो हम कल के प्रोग्राम में लेंगे एक मख्तसर मुझे ब्रेक लेना ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम बात करेंगे कुछ सिपैक के हवाले से कुछ इंटरनेशनल फ्रंट्स पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हाले से डॉक्टर हमा साहबा से भी मैं राय लूँगा एक मख्तसर ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक बार फिर खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में डॉक्टर हुमा साहेबा अब आप जरा ये बताइएगा कि सिपैक के हवाले से और उसमें खास तौर पर रशिया की आ, का, का इंटरेस्ट लेना और उसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार करना इन तमाम चीज़ों के बाद फिर इंडिया की तरफ से आप एक्सपेक्ट करती हैं कि जो बलोचिस्तान में वायलेशंस की या बलोचिस्तान में एक एक तरह से बेचैनी पैदा करने की जो कोशिशें हैं उसमें कुछ कमी वाकई हो, हो हो, सकेगी क्योंकि फिर क्या शायद ये इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो रशिया और चीन जैसी जो ताकतें हैं उनके मुकाबले में यहाँ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें तो किस तरह से आप देख रही हैं इन इस तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में देखिए जो तो मोदी सरकार है वो बहुत अनप्रडिक्टबल uh, है तो uh, ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ कम हो हो सकता है कि झोंझ में ये चीज़ बढ़ भी जाए और सिर्फ रशिया ऑन बोर्ड नहीं आया है बहुत वाजे तरीके से आज ब्रिटेन का भी स्टेटमेंट है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने में इसी तरह ईरान ने भी अब बहुत मजबूत रवैये का इजहार किया है तो ये तमाम चीज़ें जाहिर है पाकिस्तान की बहुत मदद करती हैं लेकिन कश्मीर के हवाले से भी और इंडिया के हवाले से भी मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि जब बात होती है कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात करनी चाहिए तो शायद हमारी सोच जो है वो वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ जाती है हम वाशिंगटन और लंदन को देखते हैं या शायद परहैप्स रियात को भी देखते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में या जो इस जिस ख़ते की सूरत है हाल है जहाँ वहाँ पर पाकिस्तान को जिन ममालिक से सपोर्ट आ सकती है जिन कैपिटल से सपोर्ट आ सकती है वो तेहरान है वो बीजिंग है और वो मॉस्को हैं और ये पूरी शक्ल जो है वो बहुत वाजहे तौर पर आ, उभर रही है खतरा इसमें यह है कि अगर ये पावर ऑफ ट्राइंगल्स बजाय के कोऑपरेशन की तरफ चलें भारत के रवैये की वजह से और भारत को जो पुष्ट पनहाई हासिल है उसकी वजह से कॉन्फ्रेंटेशन की तरफ चले जाते हैं तो फिर ख़त्ते में अमन नुख्स अमन का खतरा होगा सही है सही है जी भैया सर देखिये जी जहाँ तक सी का ताल्लुक है वो तो जनरल रही शीफ ने अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिया उन्होंने कहा था कि जी वो क्या चाहते थे कि जाने से पहले वो उसको कम अज़ कम इनागरेट कर दें और मामला ऑपरेशनलाइज हो गया और वो तो गवर्नर का भी हो गया सी का भी हो गया जो पहला ट्रेड कॉर्नवा है जी। अब आगे इस जितने सिक्योरिटी के मामलाते हैं जितने गवर्नर के ऑपरेशन के मामलात हैं जाहिर बात है उसमें फ़ौज का एक रोल तो रहेगा और बड़ा स्ट्रॉग रोल रहेगा क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो एंटी सी पैक फोर्सेज हैं उनकी तो कोशिश होगी कि अभी तो मामला शुरू हुआ है इसको कितना डिस्टर्ब किया जाए अब रशिया भी अगर मैदान में आ गया सी पैक को ज्वाइन करने के लिए और चीन भी है अब दो सुपर पावर अगर सी पैक में इन्वॉल्व हो गई हैं और जारी बात है वेस्टर्न रूट जो है बलोचिस्तान के थ्रू जाता है बलोचिस्तान में ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान एंटी जो आ, 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 जो गवादर फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जारी बात है आर्मी चीफ के लिए फौज के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहेगा अब यह देखना है कि जिस तरह तो जनरल राही शरीफ मैं कहता हूं मिलिट्री डिप्लोमेसी में वो उनकी एक महारत सामने हमारी आई थी कि हर आने वाला सदर वजीर प्राइम मिनिस्टर जो जो भी आते थे वो उनको हर हालत में कभी पहले मिल लेते थे कभी जाते हुए मिलते थे तो बड़ा उनका फोकस था आर्मी चीफ से मुलाकात जी एच यू आके अब देखना यह कि जो नए आर्मी चीफ हैं क्या ये तमाम मामला ये जो अफगानिस्तान के इंडिया के वो रवायत जो जो रवायत होती थी जी फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पॉलिटिकल लीडरशिप उन पे छोड़ देंगे और सिर्फ अपनी इंपोर्ट देंगे या उसी तरह, तरह है। है, वजी खारजा भी रहे हैं तो सर मुझे यह बताएगा कि कितना रोल होता है जैसे हम इंडिया के हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं श्याम उद कुरैशी साहब आपको आवाज आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे जी जरा दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा शाह ओके आप थीक आप थीक आप थाए। थाए। ओके ओके सर मुझे ये बताइएगा आप चूंकि वजे खारजा भी रहे हैं आपके ख्याल में कितना रोल होता है जब इंडिया के हवाले से पॉलिसीज बना रहे होते हैं या अफगानिस्तान के हवाले से मामला चल रहे होते हैं तो कितना रोल होता है हमारी हुकूमत का पॉलिसीज बनाने में फौज की इन्वॉल्वमेंट कितनी कबूल करती है और कितनी होती है एक्चुअली उनका रोल कितना होता है आप, आपके तजर्बे की रोशनी में देखिए उनका रोल हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या जहां वहां वहाज का रोल होता है नेशनल सिक्योरिटी ने। 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 का रोल होता है और होना भी चाहिए और ये कोई नई बात नहीं है दुनिया जहान में होता है क्या सदर ओबामा जब कोई फैसला करते हैं क्या वो अपने नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से इनपुट नहीं देते क्या वो वजारत के दफा से क्या वो सी आई ए से क्या वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से इनपुट नहीं देते यकीन लेते हैं वजीर आजम बरतानिया अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से उनसे इनपुट जरूर लेते हैं क्योंकि मामला ऐसे होते हैं जिसपे उनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लिया जाता है और ऑबवियसली लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है बल्कि कि قیادت ने منتخب قیادت ने लेकिन वो लीडरशिप सही तभी करेगी जब वो सब इधारों का इनपुट ले पाएगी ठीक सही है बिल्कुल ठीक है अच्छा अब ये आصف अरुण साहब सर मुझे ये बताइए कि ये नए आर्मी चीफ जब भी आते हैं हमने देखा कि वो की अपॉइंटमेंट्स करते हैं सबसे पहले सी जी एस लगाते हैं अपनी मर्जी की मुख्त जगहों पर और अब तो खैर सी जी एस की वैसे ही सीट वैकेंट हो गई क्योंकि जुबैर हयाज साहब को लगा दिया गया चेयरमैन जोइ सीश उत्पाद कमेटी तो ये ये, ये कितना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आर्मी चीफ का अपनी टीम को बनाना क्योंकि कॉन्टीन्यूटी uh, अगर uh, पुरानी पॉलिसीज की चल रही होती है जैसे कि राहल शरीफ साहब की पॉलिसीज की अगर कॉन्टीन्यूटी होगी या उनके अधूरे काम जो uh, मुकम्मल नहीं हुए उनको करना है तो क्या वही टीम काम करने को प्रेफर करेंगे आर्मी चीफ या नई टीम को अपॉइंट करेंगे। नहीं ये देखा तो हमेशा यही गया है कि जो भी आर्मी चीफ आते हैं तो वो फिर प्रेफर ये करते हैं कि उनकी अपनी ही टीम हो और ये नहीं है कि वो आते साथ ही जनरल मुशरफ़ ने अलब बहुत तेज़ी दिखाई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना रदोबदल की थी ये डिपेंड करता है फ्रॉम आर्मी चीफ टू तो आर्मी चीफ लेकिन जाहिर है कि पहले चार महीने छः महीने में वो ये कोशिश करेंगे कि वो एडजस्टमेंट्स ऐसी करें कि वो उनके लिहाज से जो की अपॉइंटमेंट्स हैं और की कोर्स हैं उनमें जो है वो उनकी मर्ज़ी का आदमी जो है वो वहाँ पर तयन हो और आपने जैसे बताया कि सी जी सी जी एस की पोस्ट है इसके लिए इन्होंने बनाना है ज़ारा है कि वन ऑफ दी कोर कमांडर्स ने जाना है वो खाली आ, हो जाएगा जनरल रमदे साहब जो है ना वो भी सुपरसीड हो गए हैं उनकी कोर भी खाली हो जाएगी तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये वैकेंसियाँ क्रिएट हो गई हैं तो इस तरीके से फिर अगस्त में वैसे भी ये रिटायर हो रहे थे ज़्यादातर जो ये कोर कमांडर्स थे तो वो वेकेंसियाँ तो उनको ख़ुद ब खुद वैसे ही जो है ये मिल जाएंगी और ये जाहिर है कि अभी अपनी ही ये टीम बनाएंगे सही लेकिन तो नहीं नहीं है वो तो एक... आपने जिक्र कर दिया जनरल मुशरफ़ का खुद ही और जहाँ तक मुझे याद पता है कि जनरल मुशरफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो इख्लाफा पैदा हुए उसमें पहला इख्तलाफ ही यही था कि आपने मुझसे पूछे बगैर या मुझसे डिस्कस किए बगैर आपने सारे अपॉइंटमेंट्स इतनी तेज़ी के साथ कर दी कमांडर टेंट कोड चेंज किया जी बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ इसकी बात का और फिर उसमें उन्होंने फिर फ़ौरन ए जी को उठा के तो डी जी एस आई लगा दिया था जनरल भट्ट को जी हाँ जी सही है अच्छा डॉक्टर हुमा साहबा आप जरा आपने अभी जैसे सिपेक के हवाले से बात की एक और मामला हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है पिछले खासतौर पर 10-15 साल में और वो अफगानिस्तान का मामला है और अब हम देखते हैं कि बलोचिस्तान में जितने शवाद मिलते हैं और हमारी हुकूमत ने भी बरह राश यह कहा कि जितनी डिसेविलाइजेशन की कोशिशें की जा रही हैं उसमें अफगानिस्तान बरह रासवॉल्व है तो अफगानिस्तान को डील करना ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में और किस तरह से उसको डील करना मुमकिन होगा बिर खाल अफगानिस्तान के चैलेंज दो फ्रंट्स पे डील हो रहा है और इस वक्त भी हो रहा है एक तो जाहिर है कि ऑपरेशनल फ्रंट है जहां हमें फ़ौज का बहुत वाज करदार नज़र आता है तो अगर बॉर्डर मैनेजमेंट है या बॉर्डर पे मजीद सख्ती है या रिटेलिएशन एट द बॉर्डर है वो तमाम चीज़ें तो ज़ाहिर है कि फ़ौज भी देखेगी फिर उसकी एक इंटरनल डायमेंशन है एक कोटा काबुल कराची नेक्सिस है जिसको ज़ाहिर अभी फ़ौज ने किसी हद तक तोड़ा भी है और मेरा ख्याल है क्या वो मज़ीद तोड़ेगी लेकिन अभी भी हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो जगह बना लेते हैं पाकिस्तान की रियासत पर हमले करने के लिए और उनको फ़ौज टैकल करने की कोशिश कर रही है अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त स्टेटमेंट आ रहा है बिलल अकबर साहब का जो कह रहे हैं कि कराची का ऑपरेशन जारी रहेगा कराची का ऑपरेशन जो है वह मल्टी डायमेंशनल है उसकी बहुत सारी ट्रिजेक्ट्रीज़ हैं ये सिर्फ कराची में जो क्रिमिनल uh, एलिमेंट है या पॉलिटिकल क्रिमिनल एलिमेंट है उसके खिलाफ नहीं है कराची में आ कराची ऐसा शहर है कराची जंगल है जिसमें लोग आके गुम जाते हैं खो जाते हैं और फिर कराची को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जी तो ये कंटिन्यूटी तो आप देखेंगे और बहुत सारे हमारे इंटरनल चैलेंज जो हैं वो जुड़े हुए हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस से तो चाहे रॉ की इन्वॉलमेंट हो पाकिस्तान के अंदर चाहे रॉ का इन्फ्लुएंस हो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे उसको एड्रेस करने के लिए फ़ौज का किरदार बहुत ज़रूरी है फाल है और वो अपनी जगह मेरा ख़्याल है इसी तरह बरकरार रहेगा और जिस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस किसी भी मुल्क को दरपेश होते हैं जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं तो फौज का किरदार हमेशा बहुत बड़ा हो जाता है और वाज़े ज्यादा वाज़े तौर पर नजर आते हैं इसका एग्जैक्टली तो यही हो रहा है पाकिस्तान में देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो कुछ कर सकती हैं वो लॉन्ग टर्म है लेकिन जो इमीडिएट रिस्पांस है वो तो फौज की तरफ से ही आएगी ना जी जी सही है बिल्कुल ठीक है सर सर एक مختصر ब्रेक मुझे ले लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं के बाद एक बार फिर आपको खुशामदी कहते हैं फारूक अमी साहब मैं जरा अगर थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट होती है खासतौर पर चूंकि हम नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया है, तो हम उनके अगर पहली दिहाई के आर्मी चीफ को देखें एक असलाह हम बार बार सुनते रहे अब माजी के जब इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं या नवाज शेफ साहब की बातों को देखते हैं कि जनाब जहांगीर की साहब एक गैर सियासी जनरल थे वहीद काकर साहब एक गैर सियासी जनरल थे अली अलीगली खान को इसलिए लगाया कि उनके सियासी कुछ मकासद हो सकते थे वो माशाला लगा सकते थे ये ये असलाह क्या होती है सर ये सियासी जनरल कौन सा होता है और ये गैर सियासी जनरल कौन सा होता है ये क्या है दरअसल अगर आ, कोई भी पोलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल नीट और क्लीन हो एक हाई जो मैंने लफ्स कहा था हाई मॉरल ग्राउंड पे हो उनके पे कोई करप्शन के चार्जेस ना हो और वो फर्मली इन पोजिशन हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस जनरल का बैक आ, का जो है आ, इमेज जो है क्या वो पॉलिटिकल है क्या हमारे लिए वो ठीक साबित होगा क्या वो हमें प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा क्या जमूरीत को मसला तो नहीं होगा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज तो नहीं करेगा तो वो ऐसे मसले होने नहीं चाहिए अगर लीडरशिप जो है बिल्कुल फर्म और वो है। लेकिन यहाँ ये ऐसे टर्म इसलिए आते हैं क्योंकि वो लोग खुद जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो खुद ठीक नहीं होते तो लिहाजा वो उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो घबराते हैं वो डरते हैं कि पता नहीं देखें ना जिस तरह आजकल हम पनामा लीक्स और ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं तो जहाँ तक जनरल अपना बाजवा साहब का ताल्लुक है हमें तो एक ही बात सुनी थी कि 2014 के धरनों में ये गालिबा उन लोगों में थे सीनियर कोर कमांडर में जिन्होंने किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की या किसी किस्म की मिलिट्री इन्वॉलमेंट की को सपोर्ट नहीं किया बात नहीं की और दारी बात है ये बातें है, पहुँचती हैं पोलिटिकल लीडरशिप के साथ तो उन्होंने समझते हैं कि जी ये एक प्रो डेमोक्रेसी और उस किस्म के जनरल हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ देखें ये वक्त वक्त पर सारा डिपेंड करता अगले तीन साल में मुल्क में क्या हालात होते हैं हमें नहीं मालूम अल्लाह जानता है ठीक है नहीं? हमारी पोलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलती है मिसाल के तौर पर अभी फौज की लीडरशिप को तस्वीर होनी चाहिए अगर पाकिस्तान के अवाम को तशवीश है उनको भी होनी चाहिए कि जनाब हमारा का जो एक्सटर्नल डेट है वो अगले दो साल में वो चला अगर उसको चेक ना डाला गया हकूमत पे को आ, को वॉर्न ना किया गया कौशन ना किया गया वो चला जाएगा नब्बे पचानवे अरब डॉलर पर जिस आ, रेट से भी मामला चल रहा है तो क्योंकि कौमी सलामती का मामला है अगर आप वो डेट को रीपे नहीं कर सकते ख़ुदा न खाता डिफॉल्ट में चले जाते हैं तो ये तो बड़ी संगीन सूरत है पाकिस्तान के लिए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ना होते भी फ़ौज की लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि वो नजर रखें कि मामला आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं और मैं फिर दोबारा कहूंगा जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप वो जिम्मेदारी शो नहीं करेगी मुल्क को गवर्न करने में मुल्क के एसेट्स को अपने एफर्ट्स समझे मतलब उनको आ, आ, उनको प्रोटेक्ट करें उनको नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें जब तक वो सही मानों में नहीं होगा तो ये मामला तो है चलते रहेंगे लेकिन मैं क्विकली आपसे एक और चीज़, चीज़, चीज़। शेयर कर दूं और वो ये है कि आज मैं खबर सुन रहा था कि जी आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं उनके बारे में कि जी पंद्रह दिसंबर तक वापस आ जाएंगे अब देखें ये सब डिपेंड करता है कि ये नए मोहतरम चीफ हैं उनकी क्या पॉलिसी होती जो ईट से ईट वाला जवाब था जो बयान था और दूसरा ये कौम की नजर इस वक्त ये हम सब की कि नए आर्मी चीफ ये जो सिक्योरिटी लीक्स वाला मामला है इस पे जब तीन चार हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है वो देखेंगे कि वहां पे मामले को दबाया गया है या मामले को ये, ये सही मामला आपके ख्याल में अभी दबा नहीं खत्म नहीं हुआ है ये नहीं है मैं समझता तो दबना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें एम आई आई रेप मौजूद है जो कमेटी की कॉम्पोजिशन है वो तो ये बता रही है कि इन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करना और जो एक्चुअल मास्टर माइंड है जो असल मुजरम है जिन्होंने फौज के खिलाफ साजिश की कि उन तक ये उनको किसी तरह ये बचाने के मूड में अब देखते हैं कि जनरल कमर बाजवा जो है वो उनकी क्या अप्रोच होती है

तो उसमें और कोई कंसिड्रेशन नहीं होती हैं उसमें सिर्फ ये होता है कि मॉरली करेक्ट प्रोफेशनली साउंड और कोई कंट्रोवर्शल नहीं है कोई उसके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं है तो वो बना देते हैं लेकिन जब ये एक डिसीजन है फ़ौज की जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास है जब से ये नवाज शरीफ ने जो एटीन अमेंडमेंट लाए और ये फलाना हुआ और अब ये इनके हाथ में आ गई है जब फिफ्टी एट टू भी थी तो प्रेजिडेंट के हाथ में ये हुआ करती थी तो वो कुछ ना कुछ उनकी कंसिडरेशन डेफिनेटली होती हैं लेकिन ये भी नहीं होती कि सिर्फ यही हो लेकिन अभी आप जेडे भुटो का अब मिसाल दें तो हक द जयालक मोस्ट और उनके ऊपर जितने भी थे वो सब वो सही है। कहते थे कि वो बिल्कुल ठीक है अच्छा मेरे मैं था। था। दोनों मेहमानों से जरा आखिर में शाह आपके ख्याल में टॉप थ्री चैलेंजेस क्या होंगे नए चीफ के लिए मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा चीफ आए हैं उनके लिए

और अगर वो टेक ओवर कर लेते तो मेरा ख्याल कोई बहुत रेजिस्टेंस भी ना होती लेकिन उन्होंने बरकरार रखा और इनकरेज भी करना चाहिए, भी करना चाहिए। जी। है। बहुत बड़ा है जरूरी नहीं है कि वो टेक ओवर करें राइट शाह देखिए चैलेंजेस है एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है जो आप देख रहे हैं कि जरब अजब के जरिए उसको आपने एड्रेस करने की कोशिश की दूसरा उसके साथ आ गया आपका जो एक्सटर्नल चैलेंज आ गया है हिंदुस्तान का जो रवैया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग हो रही है और उसके साथ जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के मामला अफगानिस्तान के मामला अगर बिगड़ते हैं बिगड़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है ये तो तीन इमीजिएट आ गए फिर इस वक्त अमेरिका के साथ जो एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है आपके ताल्लुकात उनमें एक तनाव दिखाई दे रहा है ठीक है हिंदुस्तान के साथ आपका डायलॉग का प्रोसेस बिल्कुल टूट चुका है कोई बातचीत नहीं हो रही ठीक तो पाकिस्तान का जो एस पी प्रोग्राम है उस पर बहुत किस्म के किस्म किस्म के एनालिसिस आ रहे हैं और किस्म किस्म के सवाल उठाए जाते हैं तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जो उनको फेस करने होंगे बहुत शुक्रिया सर वक्त खत्म हो गया साहब आपका बहुत शुक्रिया फारूक अहमद भी आसिफ हारून साहब डॉक्टर डॉमर मुकैद साहब तमाम मेहमानों का शुक्रिया आज नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है हम तफसील से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामने क्या चैलेंजेस दरपेश हैं कल के प्रोग्राम में तौर पर हम आपको नवाज शरीफ साहब के अपने जिन, जिन साथ, आर्मी के साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर काम किया उनके साथ तुकत का एक तफसली जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि उनके किस किस आर्मी चीफ के साथ किस तरह के रहे कशीदगी हुई तो किन बातों पर हुई किन निकात पर हुई ये कल के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए